हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। तो इसकी एक्सरसाइज 10.1 के 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम चैप्टर मेंसुरेशन। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 213 खोल लेंगे। इसके ऊपर इस पर थियोरेटिकल जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, ये स्क्वायर पार्क है और इसकी जो साइड है वो हमारी 250 मीटर दे रखी है। तो सारी साइड्स 250 मीटर की होंगी इसमें, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमने फेंसिंग करनी है और हमें एक्सपेंडिचर निकालना है ₹20 पर मीटर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकाल लेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर इज 250 मीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगी आपकी 100 मीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जब हम इस जो ये हमारा स्क्वायर पार्क है इसके चारों तरफ हम फेंसिंग करेंगे, तो इसके पेरीमीटर जितना भी है उसी के चारों तरफ, पेरीमीटर क्या होता है, 1 राउंड। तो फेंसिंग जो करेंगे इसके चारों तरफ वो 1000 मीटर के चारों तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है एक मीटर की कॉस्ट है वो ₹20 है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर कितनी दे रखी है, ₹20। रेट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जीरो काउंट करेंगे और 2 लगा देंगे, ₹20,000 कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। तो मैंने आपको अभी 13 क्वेश्चन कराया है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे स्क्वायर पार्क था और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 175 मीटर है और 125 मीटर है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पार्क 175 मीटर, ब्रेड दे रखी है 125 मीटर। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, ये जो चारों तरफ का है इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 175 लेंथ है, 125 ब्रेड्थ है, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ पे हम ऐड करके देख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो, 300 आ जाएगा, 600 मीटर। अब हमें क्या करनी है, जो हमारा ये रेक्टेंगुलर जो हमारा पार्क है इसके चारों तरफ हमने फेंसिंग लगानी है और उसकी रेट है 12 पर मीटर। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, 12 रुपीज़ है, ठीक है। अब रेट ऑफ फेंसिंग फॉर 600 मीटर, तो 12 एक मीटर की है तो 600 की ज़्यादा हो जाएगी, तो 12 6 जा 72 और यहाँ पे 2 जीरोस लग जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा 7200 रुपीज़, यानी कि 7200 रुपये
खर्च आएगा टोटल जो रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है उसके चारों तरफ फेंसिंग करने में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वीटी एंड बुलबुल आर टू गर्ल्स। स्वीटी रन करती है एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ। ये एक स्क्वायर पार्क है। स्वीटी इस स्क्वायर पार्क के चारों तरफ रन करती है जिसकी एक साइड 75 की, तो चारों साइड 75 की होंगी। बुलबुल रन करती है एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ, तो बुलबुल जहाँ पे घूमने जाती है उसके घर के पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेड्थ है 45 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि और ये बताना है कि कौन कम डिस्टेंस कवर करता है। तो कैसे निकलेगा ये, पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, वो आ जाएगी स्वीटी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। फिर हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, वो आ जाएगी बुलबुल ने जितनी डिस्टेंस कवर की है। फिर देखेंगे कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, उनको कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर 75 सेंटीमीटर दे रखी है, 75 मीटर है ये। तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 75 300 मीटर। तो स्वीटी कवर्स 300 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम निकालेंगे बुलबुल का लेंथ ऑफ पार्क दे रखी है 60 मीटर, ब्रेड्थ है 45 मीटर, पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ कितनी है 60, ब्रेड्थ है 45, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 और 45 को ऐड करेंगे 105 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 2 1 2, 210 मीटर। तो बुलबुल कितनी डिस्टेंस कवर करती है 210 मीटर। बुलबुल कवर्स डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। तो आप बताइए अब कौन डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है। स्वीटी करती है 300 मीटर और बुलबुल करती है 200 मीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। तो हमें यहाँ पे 4 फिगर्स दे रखी हैं ए बी सी डी, हमें इन चारों फिगर्स का पैरीमीटर निकालना है और जो जो पैरीमीटर आएगा उसको हमने ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकालना है कि इन आंसर्स को देख के हम क्या निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो मैं पहले फिगर्स बना देती हूँ। ये फिगर दे रखी है, ए फिगर है ये। ये यहाँ पे जो चारों साइड्स हैं वे 25 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है हमारी, एक रेक्टेंगल दिखा रखी है, थर्टी सेंटीमीटर, ट्वेंटी सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इन दोनों का पैरामीटर निकाल देती हूँ। तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, 4 × 25, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये हो जाएगा 2 × 30 + 20 2 × 50 = 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा दोनों का पैरामीटर 100 सेंटीमीटर। अब हमें दो फिगर्स और दे रखी हैं। ये है हमारी थर्ड फिगर 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। एक फिगर और दे रखी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ये हमारी फिगर ए है, ये बी है, ये हमारी फिगर सी है और ये हमारी फिगर डी है। हमें फोर फिगर्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट फिगर है उसका पैरामीटर 100 है, सेकंड का भी फिगर का भी 100 ही आता है पैरामीटर। अब हम थर्ड फिगर का पैरामीटर निकाल लेंगे तो क्या आएगा। तो हम चारों साइड्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हमें रेक्टेंगुलर के हिसाब से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से। तो 2 × 40 + 10 हो जाएगा 2 × 50 और ये हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डी केस में पैरीमीटर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पैरीमीटर 30 + 30 + 40, ये हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इसको फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा पैरीमीटर 100 आया है, यहाँ पे भी पैरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी पैरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और यहाँ हमारा जो डी केस है इसके अंदर भी पैरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी अभी 16 क्वेश्चन में चार फिगर्स थे उनका सबका पैरीमीटर 100 है। तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं, क्या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, इससे यही निष्कर्ष निकलता है ऑल द फिगर्स हैव सेम पैरीमीटर, चारों फिगर्स का पैरीमीटर सेम है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप पेज नंबर 213 खोलेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। अवनीत बाइज 9 स्केयर पेविंग स्लैब्स, तो 9 स्केयर पेविंग स्लैब्स दिखा रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ईच विद ए साइड ऑफ 1.2 मीटर, हर एक की साइड 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2, 1.2, 1.2 और यहाँ से भी ये तीनों 1.2 हैं, यहाँ से तीनों 1.2 हैं, यहाँ से तीनों 1.2 मीटर हैं। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्केयर, वो इसको स्केयर की फॉर्म में रख देता है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट में हमें उसका पैरामीटर निकालना। तो क्या हो जाएगा पैरामीटर, यहाँ से 1/2 मीटर, यहाँ भी 1/2 मीटर, यहाँ भी 1/2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 मीटर और 3/2 चारों तरफ से हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, सारी को उसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगता। शी गेट्स हिम टू ले देम लाइक ए क्रॉस, वो कहती है कि इसको क्रॉस की तरह रखो। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ अरेंजमेंट, तो अब उसका पैरामीटर कितना आएगा और विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, और ग्रेटर पैरामीटर कौन से केस में आएगा। तो दो केस दिखा रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट केस है स्केयर शेप में और दूसरा है यहाँ पे क्रॉस की शेप में। तो हमें अब पैरामीटर निकालना है किसका ज़्यादा पैरामीटर आएगा और किसका कम पैरामीटर आएगा। पहले हम अलग अलग का पैरामीटर निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये 1/2 मीटर है, ये 1/2 मीटर है, ये 1/2 मीटर है, तो सारे यहाँ पे 1/2 मीटर ही आएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द पैरामीटर, तो हम पैरामीटर निकाल लेंगे इसका, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे पहले वन साइड का निकाल लेंगे। पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें निकालना है इस अरेंजमेंट में, ये एक स्क्वेयर शेप है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड, तो कैसे निकलेगी, 1/2 + 1/2 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमिनेटर हमारा ऐड हो जाएगा, 3/2 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ ऑफ वन साइड आ गई, तो अब हम निकालेंगे पैरामीटर। ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 × लेंथ ऑफ वन साइड, तो 4 × 3/2, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 मीटर। लेकिन सारी क्या करती है, कहती है अभी इसको क्रॉस की फॉर्म में रखेंगे, तो क्रॉस की फॉर्म में रखने के लिए पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से फिगर ड्रॉ होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं। अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे इसका, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी का अरेंजमेंट है, उसको ये वाला अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगता, वो इसको क्रॉस की फॉर्म में रखना चाहती है, तो वो कहती है कि अब उसकी जो उसने दूसरी शेप रखी है उसका पेरीमीटर कितना आता है। तो इस केस में पेरीमीटर कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 20 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1/2 को हम 20 टाइम्स ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो एक केस में आता है हमारा 6 मीटर पेरीमीटर, और एक केस में आता है हमारा 10 मीटर, तो विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड अरेंजमेंट हैज़ ग्रेटर पैरामीटर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट 10.1। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एरिया, और इससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी 10.2। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये सब कराऊंगी। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।